कोतवाली थाना अंतर्गत पिपरा कुरंद निवासी मेघनाथ केवट के गायब होने पर मेघनाथ के भाई ने कोतवाली थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली थाना प्रभारी अरुण कुमार पांडे ने इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक सिंगरौली वीरेंद्र सिंह को सूचित किया। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल इस मामले को लेकर थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया कि इस मामले को गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली पुलिस व उनकी टीम ने प्रेम संबंध के चक्कर में हुई हत्या की गुत्थी सुलझाई व 72 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के पत्नी के साथ मृतक के प्रेम संबंध के कारण आरोपी राजकुमार बैगा और उसकी पत्नी शांति बैगा निवासी पिपरा कुरंद ने मेघनाथ की हत्या कर शव को खेत में गाड़ दिया था, जिसे कोतवाली पुलिस ने जांच के दौरान जमीन से शव को बाहर निकलवाया और हत्या में प्रयुक्त हथियार भी जब्त कर लिए गए। कोतवाली पुलिस की पूछताछ पर आरोपी गण रामकुमार बैगा, शांति बैगा निवासी पिपरा कुरंद एवं रामसुंदर बैगा निवासी बेत्रिया ने बताए गए स्थान से तहसीलदार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट माड़ा के समक्ष दिनांक 23 अगस्त 2020 को शव उत्खनन कार्रवाई कर उक्त आरोपी गणों के ऊपर कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने कोतवाली प्रभारी अरुण पांडे सहित पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। सुबेरे इनकी मोटरसाइकिल शिवपहरी के पास जो कन्वेयर बेल्ट है वहाँ लावारी सड़क में पाई गई। इनके भाई प्रेमलाल केवट के रिपोर्ट पे गुमशुदगी का प्रकरण बैठन थाने में दर्ज किया गया और उसमें जांच शुरू की गई। मृतक मेघनाथ केवट जो है इनकी बॉडी निकालने पर ये ज्ञात हुआ कि राम कुमार बैगा से इनकी बातचीत काफ़ी हुई है। संदेह के आधार पर राम कुमार बैगा से बुला करके पूछताछ की गई तो उनके द्वारा जो बताया गया उसमें ये जानकारी निकल के आई कि राम कुमार बैगा की पत्नी शांति बैगा से मेघनाथ केवट के अवैध संबंध बन गए थे, प्रेम संबंध हो गए थे इनके, और इस बात की जानकारी राम कुमार बैगा को हुई। इस बात को लेकर के इनके आपस में विवाद होते रहे थे और घटना दिनांक को इसको राम कुमार को ये जानकारी मिली कि उसकी पत्नी जो मायके में रह रही थी वहाँ पर मेघनाथ केवट गया हुआ है उससे मिलने के लिए। तो ये जैसे इसको जानकारी मिली तो इसने योजना बनाई और मेघनाथ केवट का मर्डर करने के लिए यहाँ से कुल्हाड़ी लेकर के गया वहाँ पे, और उसके जो उसकी पत्नी का जो मायका है वहाँ पर उसने मेघनाथ केवट को वहाँ सोते हुए देखा। तो इसने अपनी पत्नी से बुला करके बात की कि इसको तुम मार दो अन्यथा मैं तुमको हमेशा के लिए छोड़ दूँ। इस पर इन दोनों की बातचीत हुई और दोनों ने मिलकर के पत्नी ने कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी का जो पीछे वाला पोर्शन होता है उससे, और उसने मुझे से उसको मारा और उसकी जब डेथ हो गई तो पास में ही इसका साला सुन रहा था, साले का नाम रामसुंदर बैगा, उसको बुलाया गया और दोनों ने मिलकर के जो मेघनाथ केवट है इसकी बॉडी को पास ही खेत में जो उनका खेत था वहाँ पर लगभग 4 फीट गहरा गड्ढा खोद करके दबा दिया और इसके बाद खेत में पानी भर दिया जहाँ पे पहले से इनकी फसल लगाने की थी। किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वहाँ पर जो है